ना उम्मीद होकर बैठ गए थे और ऊपर से जैसे उनके मन में था कि बीजेपी की हुकूमत जो है वो तो मुसलमानों को देगी, तो मतलब कि बिल्कुल ना उम्मीद हो गए, उम्मीद ही चली गई इस बात की कि अब तो कभी जिंदगी में भी नहीं मिल पाएगा। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जो एक मुसलमान आर्टिस्ट है उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है और जिनको उम्मीद ही नहीं थी कि बीजेपी सरकार कोई मुसलमान को ऐसे रिकॉग्नाइज करेगी और जो गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड दिया है, तो वो क्या कहते हैं उसके बारे में आज का मिक्स रिएक्शन है। खामोश बन गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है या हमको नहीं देती, मगर मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया, हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है उसके अंदर, 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती। 25 जनवरी 2023 को होम मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी फोन करके बताया कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला। जज्बात में इमोशनल होकर मैं सारा दिन रोते रहा, क्योंकि ये अचानक मालूम हुआ। विंटर में 8 दिन एक ईद के जैसा माहौल था। मैं 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है या हमको नहीं देती, मगर मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 25 जनवरी 2023 को होम मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी फोन करके बताया कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला। जज्बात में इमोशनल होकर मैं सारा दिन रोते रहा, क्योंकि ये अचानक मालूम हुआ, मेरे को मालूम नहीं था। 26 जनवरी को स्टेडियम में जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरा सम्मान किया गया, उसके बाद बीदर के सारे लोग मेरे घर पे थे, इमोशनल हो रहे जो मेरा सम्मान करने के लिए आए थे। और बीदर में 8 दिन एक ईद के जैसा माहौल था। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया, हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है उसके अंदर, 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना। क्या बात है, जबरदस्त। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अमित जी का, मोदी जी का, और ये अवार्ड में जिन जिन का भी रोल है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कहा है कि मैंने बड़ी ट्राई की, मतलब अपनी तरफ से वर्क हार्ड करने की कोशिश की कि मुझे अवार्ड मिल जाए। तो पद्मश्री अवार्ड जो है जिन जिन को भी मिला है मैंने देखा है उनके, वो किसी आम बंदे को नहीं मिला, को थोड़ी मिलता है यार। अच्छा, एक लफ्ज उन्होंने बोला कि मैंने हिम्मत हार गया, मैं क्यों हार गया था ना, तो बीजेपी की हुकूमत आ गई है क्या मिलेगा, तो मुझे अब कौन सा अवार्ड है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब उसकी देख लो उसका माइंड कितना चेंज है उस बंदे का, बाबा जो थे को कादरी नाम से। न्यूज न्यूज सुन सुन के ना लोग जो है ना, बिल्कुल ये न्यूज सुन के तो नहीं पता था कि कोई इंसान जो है खुद के लिए अप्लाई कर सकता है पद्मश्री के लिए, पता नहीं। अब ये पता लगा है कि जैसे वो कह रहे हैं कि अगर किसी को लगता है कि मुझे मिलना चाहिए तो वो अपना पोर्टफोलियो बनाए, अपनी सारी चीज़ों उसमें डाले, फोटोज डाले, ये सब करे, और फिर जाके बोले कि मेरे को अप्लाई करना है पद्मश्री के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि इनको इतने साल कोशिश करने के बाद अवार्ड मिला है और उनको ऐसा लगता था कि जैसे
बीजेपी की सरकार आई है तो अब तो उम्मीद ही नहीं है कि उनको ये अवार्ड मिलेगा, क्योंकि न्यूज़ में ऐसे और हमारे कुछ सोशल मीडिया में या फिर पॉलिटिशियंस ऐसा माहौल बना देते हैं कि बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ है, तो इन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन ये गवर्नमेंट ने जो भी पद्मश्री अवार्ड दिए है वो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटीज या कोई फेमस लोगों को ही सिर्फ दिया है, लेकिन इन जैसे आर्टिस्ट या फिर म्यूजिशियंस को, बहुत ही जो छोटे छोटे लेवल पे है उनको भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो ये खर्चे की बात कर रहे थे कि 12,000 प्रोफाइल बनाने के लिए खर्चा होता है, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन इस अवार्ड के लिए आपको क्या एप्लीकेशन भरनी पड़ती है या फिर गवर्नमेंट खुद ही उनको चूज करती है? तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।